ये इतनी औकात हो गई कि हम टीवी पे लाइव आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है, HDMI केबल चाहिए इसके लिए। ये है मेरा कैमरा, इसमें कोई वायर नहीं है, और ये है टीवी। आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप में भी ये वायरलेस फीड ले सकते हैं। अब वैसे तो इस टेक्निक के लिए मैं अपना सोनी का A6400 यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको किसी भी कैमरे के साथ यूज कर सकते हैं, बस उसमें वाईफाई कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और इस टेक्निक में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इस टेक्निक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम इस चैनल में फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक और टेक्निक की बात करते हैं, और इसी फील्ड से रिलेटेड गियर्स को रिव्यू भी करते हैं। तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबा दें। दोस्तों इस टेक्निक को कैमरा टेथरिंग बोलते हैं, और ये हमारे जो आपका फैशन फोटोग्राफर या कमर्शियल फोटोग्राफर है वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। वहाँ पे कई बार क्लाइंट आपके साथ शूट पे आते हैं और वो फोटोज़ को रियल टाइम प्रीव्यू करना चाहते हैं ताकि वो आपको फीडबैक दे पाएँ और आप अपने कैमरा में उसी टाइम सेटिंग करके बेटर फोटो ले पाएँ क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से। अब सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कम्प्लीटली फ्री एप्लीकेशन है, और उसको आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे जाके डाउनलोड सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आना, यहाँ पे सारी कंप्यूटर की ऐप्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने कैमरा में जाएंगे, यहाँ पे वाईफाई के ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल विद स्मार्टफोन वाला ऑप्शन ऑन करूँगा। अब यहाँ पे QR कोड आ जाएगा स्क्रीन में, हमको QR कोड नहीं चाहिए, हमको एक्चुअली ID और पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिलीट बटन दबाऊंगा, और मैं जैसे डिलीट बटन दबाऊंगा आप देखेंगे कि वाईफाई की ID और पासवर्ड दिखाने लगेगा। अब हम अपने लैपटॉप पे जाएंगे, वाईफाई ऑन करेंगे, और हम अपने कैमरा के वाईफाई से अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे। ये जो आईडी आ रही है ये आईडी ढूंढेंगे आप अपने लैपटॉप पे और इसे कनेक्ट करेंगे, और जब वो पासवर्ड मांगेगा तो ये कैमरा में जो पासवर्ड दिया हुआ है आपको ये डालना पड़ेगा। और जब आप करके ये क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको उस जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था ना, आपको उसको फोल्डर में जाना है और उसमें ये वाली ऐड ढूंढनी है और उस पर डबल क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब जैसे कि ये स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ पे आके आप सोनी पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप सोनी पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार लैपटॉप के साथ कनेक्ट होने के बाद फिर आप अपने लैपटॉप को किसी भी HDMI केबल के थ्रू किसी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस ऐप में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी मिलते हैं, जैसे कि आप वीडियो मोड में अपने कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग को इस ऐप के थ्रू स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो मोड में जब भी आप एक फोटो लेते हैं तो आपको एक फुल स्क्रीन प्रीव्यू हर फोटो के बाद देखने को मिल जाता है, और आप चाहें तो गैलरी में जाके वापस से सारी फोटोज़ के प्रीव्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स भी एडजस्ट करने को मिल जाती है, जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO। अब सोनी में ये हमको बहुत ही कम देखने को मिलती है, वहीं अगर हम कैनन और नाइकॉन की बात करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप वहाँ पे आपका फोकस भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप लेंस का जो जूम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स। बस दोस्तों इस टेक्निक के साथ आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो डेटा कॉपी होकर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ रहा है ना, ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन कंप्रेस्ड फाइल है। आपकी जो ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन फोटो है वो आपके कैमरा के SD कार्ड में ही, और उसको संभाल के यूज़ करना है। आप ये मत सोचना कि आपका डेटा लैपटॉप में भी आ गया है तो आप SD कार्ड फॉर्मेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वाट लग जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँ और थोड़ा डिटेल में इसके फीचर को एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर मेरे पास ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं पक्का उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं जल्दी अगली वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।